बचाई, ये मोदी भक्त है, मैं मोदी भक्त हूँ, भक्त कोई किसी का नहीं। सब पार्टी मिल करके लड़ेगी तो मोदी को 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगा जी। चाहे जितनी पार्टियां मिल जाए मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। आज 50,000 आदमी का कमाता, लोगों से पूछ लो भाई साहब 20 तारीख को पर्स खाली मिलते, कर्जा लेगा गुजारा। मोदी जी का 3 काम अच्छे अच्छे मैंने पूछा था, आपने आपने 1370 बता दिया, मुद्दा खत्म कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, हरियाणा कर दिया, कौन सी फायदा गायब, कोई गायब नहीं हो गई। और बताओ हरे काम सही हो रहा है, गुंडा कर दिए करने वाले, तुम चलाने वाले, किसी बाप की नहीं है दिल्ली, किसी बाप की नहीं है। अब जो हमने अपने 2014 के अंदर भाई साहब हम लोग ना 50,000 नहीं 5,000 कमाते थे, 1,000 कमा, आज 50,000 आदमी का कमाता, लोगों से पूछ लो भाई साहब 20 तारीख को पर्स खाली मिलते, कर्जा लेकर गुजारा कर रहे। सर महंगाई है क्या? महंगाई तो है, कमाई पहले जैसी कहाँ है, कमाई लोगों की कमाई नहीं है, कहाँ है? बीजेपी तो कह रही है कि महंगाई नहीं है, कमाई है, कहाँ कमाई है भी तो कहेगी। आप कैसे देखते हैं? अब मैं क्या कहूँ, सभी देख रहे हैं, मैं क्या अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, जनता जनता को कुछ असर, जनता से तो आप बिल्कुल देख रहे हो आप। अच्छा क्या लग रहा है फिर, इसका इसका असर चुनाव में ही पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब वो तो बात की बात है, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। कहीं मस्जिद का ईंटा ढा दिया जाएगा, हो गया मुद्दा, तब जाएगा जी, मुद्दा हो जाएगा फिर वो आ जाएगा। अच्छा मतलब आप कहना चाहते हैं चुनाव मंदिर मस्जिद में होता है क्या? जी जी बिल्कुल सही है, मुसलमानों में राइट बात बोलता हूँ, एक मस्जिद का ईंटा उखाड़ दिया जाएगा, हमने इन मुसलमानों को भगा दिया, बस यही बात है, जी जाएंगे, यही मुद्दा देश में चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी से पूछ लीजिए, मंदिर मस्जिद दूसरा कुछ है ही नहीं, कारोबार कहाँ है? आप कहते हैं मनरेगा, मनरेगा में काम की बात करते हैं, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, महात्मा गांधी का ढाका का रहने वाला हूँ, आपको मनरेगा में काम करना है, आप कभी ड्यूटी पर नहीं जाइए, आपका 90 दिन का हाजिरी मैं बनवा देता हूँ। जी मुखिया सरपंच जो है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं क्या? जी मुखिया कहते हैं भ्रष्टाचार हमारे मतलब किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, लेबर काम नहीं करती है, सरपंच और मुखिया उसको दस्तखत मारा और बीडीओ सीडीओ के पास दिया, लो भैया पास, थोड़ा थोड़ा पैसा सारा जेब में 500 रुपया आपको। अच्छा जी क्या भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो आज भी वही है, जो जमाना कांग्रेस का था जो जमाना बीजेपी का। अच्छा आप क्या लग रहा है, आपके कौन आ सकता है, किसके राज्य में बढ़िया? देखिए अगर सब पार्टी मिल करके लड़ेगी तो मोदी को 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगा जी। नीतीश कुमार वाला बात कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार की मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी वाली बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सब मिलकर लड़ेंगे। अच्छा क्या लग रहा है कि मोदी जी इतने ज्यादा सुन लीजिए, मोदी जी इतने पावरफुल हो गए हैं कि सबको मिलकर लड़ना पड़ रहा है? जी जी इसलिए यूनिटी स्ट्रॉन्ग द क्रूएल डेंजर द पर्संस। किसी बुड्ढे के पास 4 लड़का था, वो हर दिन लड़ता झगड़ता था, बुड्ढा लाफिंग सांस यानी आखिरी सांस ले रहा था, बुड्ढा बुलाया बैम्बो स्टिक यानी बांस की छड़ी लाओ और उसको गांठ बांधा हुआ था, भेजा चारों बेटे को, कहा फेरा अकेला अकेला भेजा जो उसको तोड़ो, लेकिन नहीं टूटा, कहा जो तुम चारों मिलकर के तोड़ो, तो ये 4 × 8 आठ दुना 16 को हो गया उस पर हाथ और पैर, फटाफट टूट गया। तो वही हाल है, मोदी जी इतना जातिवाद पैदा कर दिया दिमागों में लोगों के, जो इसको तोड़ने के लिए सबको मिलकर तोड़ना पड़ेगा। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं। चाहे जितने लोग मिल जाए, चाहे जितनी पार्टियां मिल जाए मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। अच्छा ये क्यों, कैसे लग रहा है आपको? आपको भी दिख रहा होगा देश का विकास, पाकिस्तान का हाल क्या है, हिंदुस्तान का हाल क्या है। अच्छा महंगाई ऐसा नहीं करेगा भाई साहब, पॉपुलेशन है ना, आबादी नहीं बढ़ी क्या? आबादी के सबसे मतलब महंगाई सरकार के हाथ में कंट्रोल करना नहीं होता, क्यों नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आमदनी भी तो बढ़ी है, जब आदमी 10,000 कमा रहा था आज 15,000 कमा रहा है, नहीं है जब 10,000 कमा रहा था आज 15,000 कमा रहा है, पहले 300 रुपए तनख्वाह थी आज 500 रुपए रोज की जारी है, तो वो महंगाई तो उसी हिसाब से है ना, क्यों नहीं, क्या बात करती है, सबका निकल रहा है, पहले आदमी 300 रुपए 1,000 रुपए लेता था, 10,000 ले रहा था, आज 15,000 ले रहा है, उसी हिसाब से तो बढ़ रहा है ना। अच्छा महंगाई मतलब की महंगाई से मतलब नहीं है। अच्छा कौन से मुद्दे पे मोदी सरकार आती है बार बार, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मोदी सरकार ने सही नहीं किया? आपसे पूछ रहा हूँ, अब बाद बाकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी जगह देखेगी, राजस्थान में पेट्रोल महंगा है कौन देखेगा, पेट्रोल कौन देखेगा,
लेकिन मेन तो सेंटर सेंटर ही होता है। एक मिनट, जब 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 मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पेट्रोल बढ़ता था, वो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पेट्रोल बढ़ता था, डीजल का मतलब वो डॉलर के दाम गिरते थे। तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है अपनी टाइम पे तो मोदी जी उस वक्त सही थे, इस वक्त अभी सही है, पहले भी सही थे। मतलब हमेशा मोदी जी सही रहेंगे? गलत बात बोल रहे हैं। हमारी तो, हमारी नहीं, 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 एक मिनट, एक बार बताइए, या तो तब सही रहेंगे या आप सही रहेंगे। अभी सही थे, अभी सही थे, किसी ने तो उसमें दोष लगा पाया? अच्छा, ये बताओ, रफेल पे लगाया था ना, मोदी जी चोर हैं, क्या करा था? खुल तो रही है, साबित करा, अब फाइलें खुल जाएंगी ना, माफी मांगी ना कोर्ट में, माफी मांगी है ना कोर्ट में, माफी मांगी है ना लिखित में, माफी मांगी है ना, क्या हुआ था? बताओ। लेकिन लेकिन लोग तो महंगाई असर कर रहे हैं, जनता कहती रहेगी, ठीक है, बाद बाकी स्टेटों का काम है अपने अपने राज्य संभाल। रास्ता छोड़ दीजिएगा। लेकिन अच्छा ये बताइए, सारा मोदी नहीं देखा, मोदी जी के दो सारे स्टेट में मोदी जी अकेले, मोदी जी के तीन काम अच्छे अच्छे बताइए जो आपको पसंद हो। क्यों? 370 खत्म कर दी, 370 बढ़िया, एक काम हो गया और बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ ना कौन कौन अच्छा लगा। अभी देखो यूक्रेन पे भेज दी अपनी हमदर्दी के तौर पे, यूक्रेन भेजी ना, ये तो अलग बात है, ये चीजें सब मोदी के हाथ में, देश स्टेट के लिए है। एक 370 बताया आपने, देश के लिए, देश के मतलब कि जो नागरिक है इनके लिए मोदी जी का बढ़िया काम कौन कौन सा है? तो आप भी देख रहे हैं, सारे काम कर ही रहा है, सारे काम बढ़िया कर रहा है भाई साहब। देखो ऊपर वो अपनी जगह तो सही है, बाद बाकी स्टेट का काम है। मैं समझ रहा हूँ, बताओ ना मोदी पक्ष के अंदर मेरा अधिकार है, नहीं नहीं सुनिए मेरा, मेरी बात सुनो, सब गाँव से आते हैं, ऊपर से कोई नहीं आता, सब गाँव से आते हैं, हम दिल्ली के हैं, दिल्ली के रहेंगे, तुम गाँव से भाग के आए हो, गुंडा कर दिए करने वाले, तुम बंदूक चलाने वाले, किसी बाप की नहीं है दिल्ली, किसी बाप की नहीं है, मोदी गुजरात से आया, क्या कह रहे, मोदी गुजरात से आया, कहाँ बैठा है मोदी, कहाँ बैठा है? नहीं देखो देखो, कोई किसी का नहीं है, पूरा नहीं नहीं पूरा दिल्ली में बैठा है प्रधानमंत्री, कहाँ गया है वो, पूरे देश का है, तुम कह रहे हो देश सभी का है, वो बात नहीं, पूरे देश का है ना प्रधानमंत्री, देश सभी का, आपका भी पूरा देश है, आपका भी पूरा देश है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, दिल्ली में दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? पूरा देश सभी का है, जितने भी नागरिक हैं सभी का, ये कह रहे ना दिल्ली में, दिल्ली कितनी है? अरे तीन चीजें बताओ, तीन काम ये पुराने हैं ना, तीन चीज बताओ, मोदी जी का तीन काम अच्छे अच्छे मैंने पूछा था, आपने आपने 370 बता दिया, खत्म कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, हरियाणा कर दिया, कौन से भाला गायब, कोई गायब नहीं हो गई, अच्छा और बताओ, और काम, और काम, दो काम, सारे काम सही हो रहे हैं भाई साहब, सारे काम, डिफेंस में डिफेंस में कितना शक्ति हो रही है, देखो ना हथियार हमारे देश में बन रहे, हथियार जो हमें अभी तो बाहर से खरीदते थे वो अपने इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, भैया फायदा किसका होगा, जो अभी तो बाहर से खरीदते थे अब अपने हाथ से बना के अपने हाथ से बेचोगे, फायदा नहीं होगा। मोदी जी पे ये भी आरोप, भारत अभी तक बाहर से आती अब बनने वाला अपने इंडिया में बन रही है, मोदी जी पर ये भी आरोप लगता है ना, जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ भी जीत जाते हैं, मतलब खरीद भाई साहब, जनता है हारते की बोलेगी सब, आप कैसे देखते हैं, ये सही है गलत? मेरे हिसाब से सब सही है और फिर अपना अपना न्याय है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली एमसीडी में जब चुनाव हुआ था पार्षद जीते थे, केजरीवाल के पार्षद ज्यादा जीते थे, देखो भाई साहब ऐसा है, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, लेकिन बीजेपी करेगी मेयर हम बनाएंगे, हम क्या कह रहे हैं, दो बार चुनाव हुआ नहीं चुने जा पाए, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब आम आदमी पार्टी के मेयर चुने गए, इसको कैसे दिखते? देखो ये राजनीति है, ठीक है, उनके पास क्या पेच था, इनके पास क्या पेच है, पेच जब निकलेगा तो अपने आप चुनाव होगा, नतीजा आएगा, नहीं नहीं फिर आप समझ नहीं रहे, मेरे सिंपल सवाल है, जिसके पार्षद ज्यादा थे उसके बनना चाहिए था कि नहीं, मतलब तो बनेगा ही बनेगा, क्या वजह हुई, क्या वजह हुआ, दो महीने ढाई महीने लेट हो गया, ये वजह तो उन लोगों को केजरीवाल को पता होगा ना, केजरीवाल बना क्यों नहीं भाई, बना क्यों नहीं भाई, अभी तक क्यों नहीं बना पाए, कोर्ट में गए वो, तुम भंग करना चाहते, पहले कोर्ट में चले आते, निगम को भंग करना चाहते थे तुम लोग, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उसने अपनी को बचाई, ये मोदी भगते हैं, ये मोदी है।
मैं मोदी भक्त हूँ। भक्त भक्त कोई किसी का नहीं होता, सब खाते रहते हैं, पेट किसी का खाली बैठ जाए, कोई देने नहीं आएगा। जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया है, माननीय देश प्रधानमंत्री जो है बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर में आता है, पब्लिक चाहते है कि भाई रोजगार, महंगाई महंगाई है, महंगाई पहले भी थी आज भी है, महंगाई कोई नहीं रोकता, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा महंगाई नहीं रोकता।